हेलो एवरीवन। तो क्या आपने ऐसे पनीर वाली शाही पनीर खाया है? तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, देसी घी में पनीर को फ्राई कर लिया है थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के। ये मैंने लिया है मसाले के लिए, प्याज, टोमेटो, हरी मिर्च, थोड़े से काजू और जितने भी सूखे मसाले, और 2 चम्मच मलाई। अगर मलाई नहीं है तो आप क्रीम भी ले सकते हैं। उसके बाद ठंडा होने के बाद ये मैं चार को इसको ग्राइंड कर दूँगी इस पर, मिक्सी ग्राइंड पे अच्छे से। आपको प्याज और टोमेटो को खाली भूनना है, ऐसा भूनना है कि हल्का सा ब्राउन हो जाए, जिस तरह मैं आपको यहाँ पे कलर दिखा रही हूँ। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से पेस्ट बना लिया है। उसके बाद उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा देसी घी डालूँगी, उसके बाद ये वाला पेस्ट डालूँगी। तो अब मिक्सी में अच्छे से पानी डाल के पूरा पेस्ट अच्छे से डालूँगी। अब पेस्ट को पूरा अच्छे से बॉईल करूँगी। ये देखिए, ये हमारा शाही पनीर का जो मसाला है ये उसका है। अगर आप कुछ भी शाही मशरूम बना रहे हो तो इस तरह आप मसाला बनाओ और उसके बाद आप पनीर डाल दो। 5 से 10 मिनट तक आप इसको मसाले को बॉईल करो, जब तक तेल अलग ना हो जाए। उसके बाद रेडी है हमारा शाही पनीर। यम्मी। कैसा लगा वीडियो? लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।